हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। UPSI से रिलेटेड काफ़ी सारे नोटिस जो हैं वो जारी किए हैं भर्ती बोर्ड ने, तो हम एक एक नोटिस की तरफ सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। देखिए, आज साउंड का थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि मैं बाहर हूँ और वीडियो बनानी आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए साउंड का थोड़ा इशू रहेगा, वो आप मैनेज करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिजिकल से रिलेटेड कल की डेट में चार जो हैं नोटिस जारी किए गए हैं। लास्ट नोटिस हम देख लेते हैं, इनको ओपन नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि किनका जो PET था वो कैंसिल हो गया है और उनका कब होगा बरसात की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि जिनका भी शारीरिक PET परीक्षा 24 मई को थी और वो भी अलीगढ़ के अंदर, वो तेज़ आंधी की वजह से स्थगित की गई है और वो 26 मई को होगी। लास्ट नोटिस के अंदर आपको ये बताया गया है। सेकंड नोटिस के अंदर आप देख सकते हैं कि जिनकी भी PET परीक्षा 13 मई को थी प्रयागराज के अंदर, तो उनकी भी जो PET है अब 26 मई को होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिनकी PET 23 मई को थी वाराणसी के अंदर, वो भी आंधी की तूफान की वजह से पोस्टपोन कर दी गई और वो 26 को होगी, यानी कि कल की डेट में आपकी होगी। और ये लास्ट नोटिस है फिजिकल से रिलेटेड पोस्टपोनमेंट से, तो ये 23 मई को जिनकी PET थी जनपद अलीगढ़ के अंदर, वो 26 तारीख को विज्ञापित की जाएगी। ये आपको मैंने सब बता दिया। अब फाइनल जो है फाइनल जो लिस्ट है PET की, वो जारी कर दी है इन्होंने। फाइनल लिस्ट एक बार हम देख लेते हैं फाइनल लिस्ट क्या है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फाइनल लिस्ट जो है आपकी भी डाउनलोड हो रही है। जब तक लिस्ट डाउनलोड हो रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनल लिस्ट है, इसके अंदर 74 पेज हैं और इसके अंदर कैंडिडेट 3,399 कैंडिडेट जो इसके अंदर है वो हैं। और इनके जो एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो भी इन्होंने जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो ये है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एडमिट कार्ड का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट लिंक ले लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए अपना एडमिट कार्ड। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।